सामने की नाजरी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रात जो हमारे गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सारे पाकिस्तान उनको जानता है और वो रोज वीडियोज भी बनाते हैं, ब्लॉग्स भी बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में आजकल मुस्लिम मीडिया चैनल्स वाले उन्हें इन्वाइट करते हैं और आप सब की तारीफ में कौन रहती। इनको हमने 150 घंटा के हिसाब से बुलाया, बात तो भाई 200 पे हो रही थी लेकिन भाई 150 पे साथ हमें इनको रिक्शे किराया भी भाई की फरमाइश ने उनके लिए खाना भी बनाया है। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने ये जर्नी शुरू की 235 सब्सक्राइबर वाली? लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड, 265 सब्सक्राइबर वाली। कैसे ये कैसे हो गई? मतलब कुछ ही पता है, क्यों नहीं देखते? तो क्यों नहीं देखते लोग? 18+ बनाओ, मशहूर नहीं बनाओ। आप किसी और पे कॉपी करते हैं व्लॉग? आइडिया लेता हूं सबसे, लेकिन बनाता ओरिजिनल हूं, इसलिए लग रहा है सब्सक्राइबर से। कैसे इंस्पायर हुए, कैसे यूट्यूब पे आए? छोटे भाई के साथ वीडियो बनाता रहता था, एक वीडियो बनाई थी उसको मैं चंडे मार रहा हूँ। अम्मी आएंगी फिर? हाँ, अभी लूप डिमांड एडिट खास नहीं करता लेकिन उसका फ्लो की ना वीडियो अच्छी चलती रहती है। आपने जवाब ज्यादा लंबा दे दिया, आपके 50 कटे गए ओवर एक्टिंग। जवाब इतना पूछा जाए उतना बताएं। फ्री टाइम मिलता है मैं अपना प्रीमियर प्रो खोलता हूँ, वीडियोस को डालते रहता हूँ, मेरे पास कंटेंट काफी ज्यादा है, काफी महीनों का है लेकिन एडिट करने से मैं थोड़ा थक जाता हूँ। अगर यूट्यूब के आपको बैड कमेंट मिलते हैं तो कैसे फेस करते हैं आप? एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, लेकिन मेरी पब्लिसिटी नहीं। इतना इंग्लिश में क्या बोल दिया, उसको समझ नहीं आई। कौन सी वीडियो थी जो इससे लोगों को आपका पता चला? मेरी पहली जो वीडियो थी वो मैंने उसको एक बार अपलोड किया था, मैं डिलीट कर दिया, फिर कोरोना वायरस शुरू हुआ, मैंने वैसे इसको फॉर फन मैंने अपलोड कर दिया, तो कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि उसके व्यूज के में चले गए और ऊपर जाते जा रहे हैं। वो थी लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स इन कीश आइलैंड, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री टाइप आपने बनानी है, मैंने अजीब सा मजाक बना दिया। मतलब चोटी आपको बचपन से? बिल्कुल ऐसी बात है, तो वो वीडियो मेरी मशहूर थी, मैंने कहा चलो ठीक है और बनाता हूँ वीडियोस, अजीज दोस्त है ताकि उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड तो नहीं की, लेकिन उस वजह से प्रीमियर प्रो सीख लिया तो फिर मजीद एडिट करना शुरू हो गया। अब शॉर्ट्स भी बनाता हूँ और दूसरी ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ और अभी काफ़ी प्लान्स हैं। मैं दी एंड फ्रेंड टॉक शो ये भी हमने शुरू किया है अभी। ये आप डॉक्टर के पास नहीं नाटकात की वजह से? वैसे तो हमारा डॉग मैनेजर कहता है कि हर लड़के को कहता है कि साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। आपके पास साइकेट्रिस्ट को विजिट करना? खाने में आपको क्या पसंद है दूसरों के खाने के लिए? स्टूडेंट लाइफ में मुफ्ते की सबको जरूरत होती है, मेरा इस बात पे बहुत ही गहरा पक्का अकीदा है कि गजा मोमिन की का गुमशुदा माल है, जहाँ इसे पाओ इसे खा जाओ। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस बात पे आपके लिए 2 मिनट खामोशी करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे है? बस मेरे साथ दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त अली मुकद्दस, उसके साथ मैं रहता हूँ, शुरू से इसी के साथ दोस्ती से। बहुत मशहूर आदमी है, पीके नहीं मारता। मेरा एक दोस्त है खान और एक मुबशर दोस्त, तो इन्हीं से रह रहा है कि पीके मार मार के कभी कभार ना मतलब 1 out of 10 अच्छी हो जाती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं भी जूते मारना सीखूँ। अच्छी बात है, काम करें आप। लेकिन सुने खान तो इम्प्रूव कर गए, आप क्यों नहीं करते? बहुत ज्यादा थकी होगी, ये गलत फहमी है, कोई अमरूद नहीं किया। आपका खाना भी बनाते हैं खुद या खान की तरह? मैं खाना बनाता हूँ, आलू बनाने आते हैं, इसके अलावा कभी कभार पास्ता बना सकता हूँ, यानी कभी कभार से मुराद है कभी कभार अच्छा बन जाता है। यानी बना सकते हो, बनाया कभी नहीं? एक ही बार बनाया, उसके अलावा मुझे मुर्गी बनानी आती है। बेचते भी हैं बस? बेचने की कोशिश की थी, ऑर्डर 2 आए थे फिर कैंसिल करना पड़ा। खाने से ज्यादा आपकी तस्वीर ज्यादा बिकती, शक्ल से तो आप अच्छे खासे प्यारे चिट्ठे लग रहे हैं। ऑफर्स भी होंगे? हां, काफी ऑफर्स आई हैं, क्लासमेट्स की भी ऑफर्स आई हैं, उनका नाम नहीं लूंगा। आपके पास और बहुत तरीके थे YouTube पे, क्यों आए? आसानी से कमा सकते थे आप, मॉडलिंग में, मतलब मॉडलिंग में जा सकते थे आप। एंड इस तरह के सस्ते पेशों में मैं नहीं जाता, मैं ऐसे पेशों में जाता हूं जहां इंसान की अकल इस्तेमाल हो। यूट्यूब से आपको कुछ कमाई होती है? ना कोई कमाई, शक्ल से भी लग रहा है कमाई होती है आपकी। मेरी अम्मी की तारीफ मुझे मिलती है, मेरे लिए वही काफी है। इसको मैं खुद क्या, आप यूट्यूब पे मोस्टली किस किस्म की वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, प्रैंक्स बनाते हैं, क्या? शौक तो मेरा हर एक टॉपिक का है, लेकिन फिलहाल
अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बनाता हूँ और ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। मैंने सुना है प्रैंक्स को बहुत मारते भी हैं लोग पकड़ के, आपको भी कभी लगी? अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी, क्योंकि मेरे प्रैंक्स ऐसे होते हैं किसी को पता ही नहीं होता मैंने किया, इसीलिए उनको देखता भी नहीं नहीं यूट्यूब पर कभी मेरे प्रैंक्स आए नहीं है। मैं जो करता हूँ वो अपने दोस्तों के साथ ही है। पॉजिटिव बॉय था मैं, एक अच्छा सा इंसान तो बनू को लौंडा। उम्र तो आपकी 26 साल होगी, दाढ़ी दाढ़ी मूंछ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उम्मीद है इसके कोई इफेक्ट आए। दाढ़ी मूंछ को नहीं, उसको मैं क्या कहते हैं क्यूटेनियस। आप माशाल्लाह 24-25 साल के हो गए हैं, तो शादी के शौक है या भी और अपने फ्यूचर पे देखना है? डॉक्टर बनूंगा, अभी डिग्री कंप्लीट करूंगा फिर शादी करूंगा। तो शादी का क्या सीन है, आप क्या अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं, लव मैरिज? वैसे शक्ल से तो लगता है हिंदी होगी आपकी लव तो ना समझे वैसे तो घर वालों ने कहा कि जिसको पसंद करोगे हम भी कबूल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ कहने वाली बात है। लड़की भी तो पसंद करेगा, ऐसी भी बात नहीं है। अपने बारे में आप कुछ बताएं। चलिए इंसान है हमसे साथी में जी बैठे। आपके घर वालों का आपके बारे में क्या ओपिनियन है? बहुत बुरा ओपिनियन, कहते ईरान जाओ वापस ना। पढ़ाई शढ़ाई का क्या एग्जाम है, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं दिन में? शादी तो अल्लाह ने ताकत दी, हो जाती 2-4 घंटे। इसमें फुल ऑन पढ़ाई होती है, इंस्टाग्राम भी चल रहा होता है? हम फोन से पढ़ाई करते हैं, गूगल खोल के रखना होता है साथ साथ। आप अपने यहाँ तीन पसंदीदा इधर होस्ट मैम आपसे आपके और 50 काटे जाएंगे, वहाँ से आधा घर जाएंगे लटक क्या है मेरे यूट्यूबर आपके यूट्यूब चैनल पे आपके अलावा कोई देखता है आपकी वीडियोस? हाँ मेरे घर वाले देखते हैं, मेरे चाहने वाले लोग देखते हैं, मेरे क्लासमेट्स देखते हैं, और जिन लोगों को यहाँ एडमिशन लेने का शौक है लेकिन वो किसी और एजेंट के जरिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन फिर भी मेरा वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। मैंने तो सुना है आप लोगों को पैसे देके सब्सक्राइब करवा रहे हैं, बात सच करो। मैं तो अपने ऊपर खर्च नहीं करता, मैं किसी और पर क्यों खर्च करूँ? आपकी आइंदा वीडियो स्क्रिप्ट उससे रिलेटेड आएंगी? नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैजी एंड फ्रेंड्स टॉक शो एपिसोड 1 का पार्ट 2 है। अब मैं अपने दोस्त अली मुकद्दस का इंटरव्यू लूंगा, इसको पाशा भी कहते हैं। सुबह के 5 बजे में हैं, चाय हमने इसको दी हुई है, उम्मीद है इसको नींद नहीं आएगी। यहाँ आने के बाद और यहाँ आने से पहले आप अपनी शख्सियत के अंदर क्या आपने जो आप पसंद करें? पाकिस्तान और इधर लाइफ में ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखा है, उस वक्त हम बच्चे थे 17-18 साल के, और पाकिस्तान की लाइफ में ईरान की लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ के यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हॉस्टल लाइफ सीखी है, दोस्तों के साथ रहना सीखा है, उठना बैठना सीखा है, पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुई है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों से मिलना है, बहुत सारा कुछ सीखा है। जी दुरुस्त। तो ईरान की सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या लगती है? ईरानी ऑफकोर्स, ईरानी बहुत खूबसूरत होती है, मेरे दिल पसंद। तो शादी के बारे में सोचा है? सोचा है, अगर कोई ईरानी ने मुझे पसंद कर लिया तो क्यों नहीं। तो वैसे क्योंकि कभी होना नहीं है। आखिरी बार आपने नमाज कब पढ़ी थी? मैंने कल ही पढ़ी थी आखिरी बार। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आपने पढ़ने नहीं, इंटरव्यू बुला लिया। एक सवाल, आप दोनों फीकी मारने के बजाय और क्या करते हैं? भाई बहुत कोशिश किया, भाई गर्ल्स कॉलेज के बाद चलिए देखता था। आपको बस एक निगाह देते हैं आपने? निगाह देने चली, भाई 5 रुपए की चली देते आती थी। आपकी शक्ल से तो लगता नहीं है लेकिन सुना है कि लड़कियां बहुत आपकी चाप को चाहती हैं। तो इसका क्या राज है? मैं गुरुओं की रेडी थी मेरी, उसके बाद लगाते थे, उसके बाद फिर मैं अपने दोस्त यूट्यूबर के साथ यूट्यूब पे आया तो लाइव फेमस हो गया।
पसंदीदा कश्मीरी साकी मेरा पसंदीदा कश्मीरी है इस लिहाज जैसे जैसे सब शरीफ लांडे हैं लड़कियाँ अरे करीब हैं साकी से गुजारा करते हैं क्या पर सर की बच्चों ने जाके टॉफियाँ खाए टॉफियाँ खाते थे तो साकी नु टॉफी खाने का बड़ा शौक थी ते अक्सर मैंने याद है यार टॉफी खाने चलिए एक दिन गलती ना मैं भाग गया साकी ना टॉफी खाने ते उस बार मैं जिंदगी दोबारा टॉफी नहीं खा दी वो साकी खाता था उसको छोड़े उसके बारे में बात नहीं करते सबसे अजीब चीज जो आपने अपने चार सालों में यहाँ देखी हो क्या थी मेरा रूममेट और मैं थी नहीं मेरे बारे में आपने क्या चीज अजीब पाई है आप है अजीब क्या चीज नॉर्मल पाई ये पूछे आप जेली बहुत खाते हैं 24 साल तक जेली खा रहे हैं खाते हैं लोग मैं अकेला खाऊं या आप भी पसंद करेंगे तो खाना नहीं आप अकेले खाएं तो बात ही मजे की शिबा जली शिबा जली शिबा पठानपुरी आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक है ईरान में आपने क्या क्या देखा है ईरान बहुत खूबसूरत ईरान ईरान बहुत अट्रैक्ट किया कल्चरल सिटी है हिस्टोरिकल सिटी है ईरानी तारीख पता भी आपको वर्ल्ड में फेमस है इनके मुख्य सिटी शिराज है इस्फहान है ईरानपुर बहुत खूबसूरत है इस बात का क्या राज है कि लड़के कहते हैं आपसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा घंटे लगाते हैं लेकिन नंबर आपके ज़्यादा आते हैं मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पेंटिंग सीखी है ड्राइंग सीखी है मेरी पाकिस्तान में ड्राइंग बहुत बुरी थी आके ईरान में सीखी है कुछ तो कहते हैं ना उसको नक्काशी पोस्टकटी नक्काशी वो उसको जो बर्तनों पे तराई बर्तनों हाँ तराई बोलते हैं जो तो ईरानियों ने सीखी आपने कहाँ सीखी मैंने ईरानियों से सीखी है तो आप यहाँ ईरानियों के कारखानों में काम करते रहे आप सिर्फ गलियों की सफाई करते हो कि नहीं साथ जेबों की भी सफाई करते हो कि मुख्तलिफ फ्लाइटों में जेब कुतराना भी शामिल है ये गलत है क्यों उर्दू और जेब कुतराना के साथ ये 4 सालों में कितनी गर्लफ्रेंड्स आप की रही हैं मेरी खाली एक मिली रही आप जो चाचा देख रहे हो भी उनको उनको भी पता होगा कितना बड़ा झूठ है सच सच बताइए गर्लफ्रेंड मेरी एक ही रही है नहीं हमने सुना है कि आप एक पे इक्तिफा नहीं करते क्या ये सच है जब कुरान में चार मतलब एक पे इक्तिफा करते हो मैं भी चार पे मैं पहले बहुत शरीफ आदमी था फिर वो जो हमारा ना एक पठान है उससे इंस्पायर हुए हम बुरी राह की तरफ ले गया वो उम्र में हमसे बड़ा था तो पहले गर्लफ्रेंड थी तो उसको देख के हम इंस्पायर हुए या मुझे ऑफर हुई थी मौलाना मस्जिद की मैंने मना कर दिया तो आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं उनको मैं खुदा की तरफ राजीव करता हूँ दिन के दर्श देता हूँ हम इसके मजाजी के बारे में मुझे लगता है हमारे गेस्ट गलत तस्वर कर गए हैं मैं सिर्फ इसके खुदा हकीकी में बिलीव करता हूँ मैंने लौंडे जो प्यार में फंस जाते हैं मैं वहाँ से निकालता हूँ मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ इससे इस इंसान की शख्सियत का हम पता चला सकते हैं क्या सोचते हैं क्या यह इश्क हकीकी में बिलीव करते हैं इश्क मजाजी पंखड़ी गुलाब की रस्म नजाकत नाजनियों के बनाने से नहीं बनती खुदा जब हुस्न देता है नजाकत इसकी आप तशरी कीजिए अपनी हबाब किसी ये नुमाइश एक शराब किसी गुलाब किसी ना इसकी उनके लब की क्या कहिए पंखड़ी है गुलाब किसी मुझे उम्मीद है मेरी 10th क्लास की और 9th क्लास की और बाकी क्लासों की भी उर्दू टीचर जो है ना जिन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की थी वो आज इस YouTube की वीडियो को देखें और वो ये देखें कि मुझे आज तक उनकी शायरी याद है आपके 3 फेवरेट स्टूडेंट जिनके बेस्ट निक नेम है यहाँ अंकल नहीं है इसका नाम डिज्नी की है ना वो मूवी मुझे ध्यान दिखाए शुक्रिया कब से आप यहाँ कहाँ हैं अच्छा लगे फेवरेट ऐसे रखन कौन है आपके यहाँ कैलिगुला पर मैं अफ्रीका जाना चाहूँगा मेरा एंसेस्टर रीजन जंगलों में नहीं अफ्रीका का जो सारे बच्चे यहाँ देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे एक पैगाम अच्छे से पढ़ाई करें कोशिश करें कमाई कर सोचें
फीस बहुत ज्यादा हो गई है यहां पे, डॉलर महंगा हो गया है। और लोगों का एडमिशन के लिहाज से क्या कहेंगे टर्म्स के अंदर? कम नहीं, अगर नंबर बहुत अच्छे हैं तो एडमिशन लें, और अगर नहीं है तो फिर पहचान लें। कौन सा बेस्ट एजेंट है? ऑनलाइन एजेंट, आपको एडमिशन कराना होता है तो मेरी सलाह पर चलें, बिल्कुल पैसे नहीं लेगा। हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए इस ऑसम ग्रेट शो में, इसके लाखों में व्यूज हैं इंशाल्लाह। इनका पहला एपिसोड था तो हमने यूट्यूबर से आवाज़ की, अगली बार हम अच्छे से गेस्ट लाने की कोशिश करें, तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी एंड फ्रेंड, और उम्मीद है कि मजीद लोगों के ऊपर मजीद झुकते मारेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये फजूलियात पसंद आई होंगी। खुदा हाफिज़। कैमरे में देख के मुस्कुराएंगे। Oh!